8 आतंकी फरार हो गए थे। वो जेल से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जिसे लेकर देश में राजनीति शुरू हो गई है। डीआईजी जेल, क्योंकि आईजी पदस्थ नहीं, जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, इन सबको सस्पेंड कर दिया है। एडीजी जेल को पीएचयू में लाइन पीएचयू में अटैच कर दिया है। तो वही जेल से फरार कैदियों में से एक कैदी, जिसका नाम मोहम्मद सलीम मुचाले है, वो सोलापुर जिले के विजयनगर का रहने वाला था। बता दें कि मोहम्मद सलीम मुचाले की मां ने इस एनकाउंटर को गलत करार दिया है और कहा कि मेरे बेटे का जो एनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, मेरा बच्चा बेकसूर था। मैं चाहती हूँ कि इस घटना की जांच हाई लेवल पर हो और सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ दे। पेश है सोलापुर से जुल्फिकर भट्टो की एक रिपोर्ट। मेरे बच्चे का जो कल एनकाउंटर हुआ ये गलत हुआ, मेरा बच्चा बिल्कुल सही था, गलत नहीं था, उसके साथ ना इंसाफी विषय है। और मेरे बच्चे के साथ जो गलती जो करे एनकाउंटर, उसका मुझे इंसाफ होना, वो भी हाई लेवल से सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ होना। मेरे बच्चे को फंसा कर ले गया, ऐसी यहाँ से वो चौरे साहब बुला कर ले गया कि ड्रामा धोने का आदमी आई कर को और ले जा को ये ATS वाले के हवाले करा। और एक इमरान पुलिस है वो, और वो बहुत मेरे बच्चों को परेशान करे थे। और मेरा इरफान और एक बच्चा है उसमें जेल में, और उसके साथ 4 बच्चे और उमेर दंडोती, शादी कुंजी और इस्माइल माशा का, ये सब बच्चे ये हैं। ये सब बच्चा के साथ इंसाफ होना, सही इंसाफ होना, ये गवर्नमेंट ये इंडिया के कानून पर भरोसा है, ये कानून सही इंसाफ करेगा। और अगर सही इंसाफ होगा तो हमारा भी दिल खुश होगा, अगर ना इंसाफी करेंगे हमारे साथ ज़्यादती करेंगे तो ये कभी ये हुकूमत कभी सलामत नहीं रहेगी, और ये कभी इनका सही नहीं खातिमा सही इसके लिए नहीं, इनका खातिमा बहुत बहुत खराब होगा, अल्लाह का अजाब बहुत खराब होगा इनके ऊपर, अजाब अली महंगा इनके ऊपर ना ना।